नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका वर्मा। यामी गौतम की बड़ी मुश्किलें। भरी महफिल में ड्रेस ने किया यामी को काफी परेशान। मौका था बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक का, जहां पर कई डिजाइनर्स ने अपने बेहतरीन कलेक्शन को पेश किया और इस दौरान यामी गौतम ने भी रैंप पर की वॉक। जी हां, डिजाइनर जोड़ी रोशनी और अर्पिता के कलेक्शन को रैंप पर पेश करने के लिए यामी गौतम पहुंची थी। इस दौरान यामी ने रेड कलर के स्ट्रेपलेस ब्लाउज और फ्लेयर वाली साड़ी के कॉम्बिनेशन को पहना था। यूं तो यामी काफी हॉट दिखी, लेकिन कई बार यामी अपनी ड्रेस से परेशान हो गई, क्योंकि यामी का ये स्ट्रिपलेस ब्लाउज बार बार खिसके जा रहा था। फिर क्या था, भरी महफिल में यामी को शर्म से लाल होना पड़ा। यकीन नहीं हो रहा तो देखिए कैसे एंट्री लेते वक्त यामी परेशान परेशान दिखी। सबसे पहले तो यामी ने आते ही अपने स्ट्रिपलेस ब्लाउज को ऊपर की तरफ खींचा। जी हाँ, क्योंकि वो बार बार नीचे की तरफ खिसके जा रहा था। एक बार नहीं, कई बार यामी ने अपने ब्लाउज को ठीक किया। यूं तो यामी सबकी नजरें बचाते हुए अपने ब्लाउज को ठीक कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मीडिया के कैमरे से आखिर भला कौन बच सका है। तो भला यामी की ये गड़बड़ भी कैसे ना कैमरा में कैप्चर होती। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान भी यामी ने कई बार अपने ब्लाउज को ठीक किया, लेकिन बार बार यामी का ये स्ट्रेपलेस ब्लाउज उन्हें परेशान करता ही रहा। वैसे अगर देखा जाए तो रैंप पर यामी काफी कमाल की हॉट दिखी। इस साड़ी में उनका जलवा देखने लायक रहा, लेकिन कई बार यामी का ये ब्लाउज उनके लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं रहा। वेल, ऐसे में यामी हम तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि फैशन करना अच्छी बात है, लेकिन फैशन ब्लंडर से बचना भी बेहद जरूरी होता है। सो बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।